एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हर बार की तरह मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाते रहता हूँ। आज मैं यहाँ पे एक्चुअली काम के लिए आया हूँ, दिखा रहा हूँ आपको क्या काम है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप सिटी में रहते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम लोग पढ़ते तो सभी है, बट ये एक्चुअल में कैसे प्रोसेस होता है आप जरूर देखिए। तो एक्चुअली मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको बता दूँ कि हम जो फिलहाल पढ़ते हैं बुक्स में, हमने पढ़ा है सभी ने कि हाँ, वो जो हमारा पेडी क्रॉप्स है, उसके बाद वो जो पेडी ग्रेन्स है, पेडी ग्रेन्स कैसे कन्वर्ट होता है राइस ग्रेन्स में, राइट। तो आज मैं आपको वो प्रोसेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल साइकिल में जा रहा हूँ, एंड लाइक ऑलवेज आज का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है, वो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। आजकल तो वो मेरा कॉमन ही हो गया है ऐसा टाइप का टेम्परेचर, हाई है टेम्परेचर। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं भी थोड़ा दिन बाद में गुवाहाटी जाने की सोच रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे घर का जो काम था वो निपटाना है, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ही मैं आके यहाँ पे वो प्रोसेसिंग के लिए मैंने वहाँ पे रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे टीन में वहाँ पे धान रखा हुआ है, धान जो पेडी ग्रेन्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, हम लोग वो पेडी ग्रेन्स को पहले वो मशीन के ऊपर रख देते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं धान है। उसके बाद में वो प्रोसेसिंग होके नीचे से राइस ग्रेन्स होके निकल आता है, जो कि बाद में पैकेटिंग के लिए फिर से भेज दिया जाता है। गांव में एक्चुअली हम लोग को पैकेटिंग नहीं करते हैं, बट वो कंपनी में करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। फिलहाल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, बट क्या हुआ, हमारे दो टाइप के मशीन होते हैं यहाँ पे, एक छोटे वाला होता है और एक बड़ा वाला होता है। जो आप देख सकते हैं बड़ा वाला, इसमें क्या होता है, इसमें भूसा नहीं निकलता। जिनके घरों में फॉर एग्ज़ाम्पल बेल नहीं है तो वो ये कर सकते हैं, और ये वाला है छोटा वाला, इसमें भूसा निकलता है, और वो जो चावल होता है राइस ग्रेन्स उसमें भी थोड़ा बहुत भूसा रह जाता है, तो उसको भी क्लियर करना होता है बाद में। भूसा इसका किस चीज़ का निकलता है, वो जो पेडी ग्रेन्स है वो छिलके जो होते हैं वो छिलके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। मशीन में ग्रेन्ड होके वो भूसा बन जाते हैं, एंड वो नीचे भूसा बन के आते हैं। और आप देख सकते हैं मशीन है कैसे इसको कॉम्प्लिकेटेडली यहाँ पे तैयार किया जाता है, और ये आपका देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिससे हमारा ये मशीन चलता है। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको, यहाँ पे दो से लेके तीन प्रोसेसेस होते हैं। पहले हमें यहाँ पे पेडी वो जो ग्रेन्स है इसको डालना होता है। पेडी ग्रेन्स डालने के बाद में वो प्रोसेस होके नीचे उसका ग्रेन्स निकलता है, जिसे हम लोग बेसिकली राइस ग्रेन्स कहते हैं। एंड उसके बाद में हमारा वो जो भूसा है, जो कि मैंने दिखाया था आपको, चावल में भी थोड़ा सा वो रह जाता है, तो उसे हमें साफ़ करना होता है। उसके बाद में वो पैकेटिंग में जाता है, उसके बाद में वो आप तक पहुँचता है फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो मशीन है, इसको मैन्युअली असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये मैन्युअल मशीन है, ये मैन्युअल ही असिस्ट होता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा भूसा है। ओ अच्छा, आप मेरे हाथ में मेहंदी देख रहे हैं। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने रिसेंट लगाया था मेरे फेसबुक पेज के लिए, बिकॉज मुझे हाथ नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने अपने हाथ में लगा दिया। तो ये जो भूसा है मुझे एक्चुअली साइड करना था, बिकॉज़ वहाँ पे और एक जन थे, और ताकि यहाँ पे वो जो मेरा भूसा है एक्चुअली जो मेरे पेडी क्रेन से निकले हैं तो वो मेरा होगा बेसिकली, तो वो मैं और किसी को दे भी नहीं सकता इस वजह से। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे असिस्ट करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, वो वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, इस वजह से मुझे खुद ही वहाँ पे वो सिंगल हैंडेडली वो काम भी करना था, एट द सेम टाइम मुझे वीडियो भी बनाना था। बट द थिंग इज़ कि मैं आप लोगों को ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ या फिर ये सब करता हूँ, हैंड करता हूँ, टेन करता हूँ, वो सब चीज़ नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों के सामने एक्चुअली जो मिनिमल चीज़ें होते हैं बस वो चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो मैं आपको इसका फुल प्रोसेस बताता हूँ कि पहले क्या करते हैं हम लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होने के बाद में हम लोग करते हैं इसको क्या है कि उसको वो जो पेडीक्रॉप्स है पेडीक्रॉप्स को पहले सुखाना होता है धूप में ताकि वो अच्छे से सूख जाए और फिर बाद में वो अच्छे से उसका वो जो राइस ग्रेन से राइस ग्रेन निकले। उसके बाद में हम लोग उसके सुखाने के बाद में उसे मिल तक बेसिकली हम लोग मिल कहते हैं तो मिल तक लेके जाना होता है एंड वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए देना होता है। प्रोसेसिंग का जो मैंने आपको बताया है कि पहले वहाँ पे ऊपर से डालना होता है देन नीचे से आता है वो प्रोसेस होके वो राइस ग्रेन्स होता है और उसके पीछे तरफ से उसका भूसा निकलता है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हम ये बुक में पढ़ते हैं बट एक्चुअल में अगर हम किसी को भी फॉर एग्जाम्पल गांव में भी बोल रहा हूँ ठीक है गांव ऐसा नहीं कि गांव के लोग सभी को पता है गांव में भी ऐसे कुछ लोग हैं या फिर जैसे बच्चे हैं मेरे एज हो या फिर मेरे एज से छोटे हैं वो कभी गए नहीं होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल सभी के बारे में नहीं बोल रहा बट कुछ होते हैं जो नहीं गए हैं एंड ये जानना ज़रूरी होता है और घर के जो मिनिमल काम होते हैं वो करना ज़रूरी है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट तो बनना ही है। ये नहीं है कि ये सब चीज़ें करके हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे बट थोड़ा सा अगर हाथ बटाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिटी में जो रहते हैं कोई भी बच्चों को अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पूछे तो एक्चुअली मुझे ये आइडिया कहाँ से मिला बोलने से मैंने मेरे एक्चुअली मैं होम ट्यूटर हूँ एंड मैं कुछ तीन चार बच्चों को पढ़ाता हूँ एंड मैंने उन्हें पूछा कि पता है कैसे ये राइस ग्रेन्स होते हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं पता है। तो मैंने सोचा अगर मैं जा ही रहा था तो एक यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए कि जो जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें पता लग जाए और वही बात। तो मेरा प्रोसेसिंग हो गया अभी फिलहाल। ये जो बस्ता दिखाई दे रहा है आपको ये बस्ता एक्चुअली भूसा का है एंड ये जो बस्ता है ये चावल का है। माफ़ करिएगा थोड़ा वो सांस में लेने में दिक्कत हो रहा है एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड वर्क हो गया ना तो इस वजह से। तो यही था आज का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है ये उन तक ये प्रोसेस जाए एंड उन्हें भी पता लगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।